स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसा हमने आपको बताया था वैसा ही हो रहा है। 6 साल बाद अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी जहां आगे बढ़ रही है वहीं और उलझती जा रही है। अब होगा कुछ यूं कि रू और अबीर के बर्थडे गिफ्ट्स दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। दोनों अबीर और रू के एक नाना जी तो कॉमन ही है। नाना जी दोनों बच्चों के लिए उनके बर्थडे पर गिफ्ट्स भेजेंगे लेकिन दोनों के गिफ्ट्स में अदला बदली हो जाएगी। यानी रू का बर्थडे गिफ्ट अबीर के पास और अबीर का बर्थडे गिफ्ट रू के पास चला जाएगा, जिससे ये दोनों बच्चे अपने अपने माँ बाप से सवाल करेंगे, क्या नाना जी का कोई और भी ग्रैंड चाइल्ड है? और इनका यही सवाल दोनों अक्षरा और अभिमन्यु को परेशान कर देगा। अब सीरियल की बात करते हैं तो सीरियल में दोनों अक्षरा और अभिमन्यु अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अक्षरा का एक प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है अबीर और अक्षरा अपने जान के बिजनेस में भी बहुत खुश है और बहुत बिजी भी। वो घर पे जैम बनाती है और फिर वही जैम की बॉटल्स अबीर और अभिनव दोनों को दे देती है और कहती है कि ये बॉटल्स बेच कर ही आना। इन शॉर्ट अब से अक्षरा का यही नया वेंचर होगा, जैम बनाकर उसकी बॉटल्स बेचना। इनफैक्ट हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि अक्षरा के इसी वेंचर के बारे में यानी जैम बनाकर बेचने के बारे में अभिमन्यु को पता चल जाएगा। अक्षरा अभिनव और अबीर के साथ कसौली में बहुत खुश है। वो इन दोनों को अपने हिसाब से ट्रेन कर रही है, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनने का पूरा कर्तव्य निभा रही है। वो अपनी जिंदगी में इतनी बिजी हो गई है कि अब उसकी जिंदगी में अभिमन्यु के लिए कोई जगह नहीं है। अब उसका बेटा अबीर ही उसकी दुनिया है, जिसको पालने पोसने में अभिनव जी ने अक्षरा की बहुत मदद की है। उधर बात करते हैं अभिमन्यु की, जो अपनी रूह के साथ बहुत खुश है। पतंग उड़ाने का कंपटीशन चल रहा है और इसमें जैसे ही अभिमन्यु की पतंग कटने लगती है और उसकी बेटी अपने पॉपी से कहती है कि हमारी तो पतंग कट गई, तब अभिमन्यु जान पर खेलकर अपनी उस पतंग को वापस लाता है सिर्फ इसलिए कि रू के चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। उधर दूसरी ओर आरोही ने भी नील को भुलाकर अपनी नई दुनिया बसा ली है। उसकी भी नई दुनिया उसकी बेटी में ही बसती है। ऑल इन ऑल बिरलास पतंग फेस्टिवल को काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, इस बात से अनजान कि अक्षरा फिर से उनकी जिंदगी में वापस आने वाली है और वो भी बहुत जल्द। बहुत जल्द अक्षरा और अभिमन्यु का आमना सामना होगा। इस सीरियल से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें।